अपने दर्द को मुस्कुराकर क्या सहना सीख लिया हमने। दुनिया को लगने लगा कि हमें दर्द ही नहीं होता, ये जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। कभी यहाँ दिल टूटता है तो कभी भरोसा, कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास वो शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सकें। लेकिन सच तो ये है, दो पल की है जिंदगानी, बचपन और फिर जवानी। छोटी सी इतनी कहानी, जो बीत गया सो बीत गया, जो होना था वो हो गया। खुलकर और हंसकर जियो, दो पल की है जिंदगानी। सब कुछ भूलकर आगे बढ़ो, कोशिश करो, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। जिंदा रख उम्मीदों को तो बंजर से भी जल निकलेगा। उदासियों की वजह तो बहुत है जिंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मजा ही कुछ और है। बहुत सोच समझ कर उम्मीद रखना किसी से, क्योंकि आधे दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आते हैं और बाकी आधे सच्चे लोगों पर शक करने से होते हैं। इंसान मकान बदलता है, कपड़े बदलता है, रिश्ते बदलता है, लेकिन फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वो अपना स्वभाव नहीं बदलता। सुख और दुख हमारे ही मन की अवस्था है। कोई परिस्थिति किसी के लिए सुख देने वाली होती है तो वही परिस्थिति किसी के लिए दुख देने वाली हो सकती है। लेकिन एक चीज जिंदगी में हमेशा सबको दुख देती है, और वो है हार मानना। जिंदगी में सबसे आसान काम होता है हार मानना। बिना मेहनत किए, बिना पूरी कोशिश किए, नतीजों के बारे में पहले से ही सोचकर बैठ जाना। हार मान जाना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि इससे तो समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। जिंदगी में खुश रहने के लिए हार नहीं बल्कि समस्याओं का सामना करना सीखो। किसी की असलियत देखनी हो तो उसे इज्जत दो, किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो, किसी की नीयत देखनी हो तो उसे कर्ज दो, किसी की अच्छाई देखनी हो तो उससे मशवरा लो। वीडियो के अंत में बस इतनी सी बात कहना चाहूंगा कि खुद को इतना भी मत बचाया करो, बारिश हो तो भीग जाया करो, चांद लाकर कोई नहीं देगा, अपने चेहरे को जगमगाया करो। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, इसे आंखों से मत बहाया करो, काम लो हसीन होठों से कुछ, बातों बातों में थोड़ा मुस्कुराया करो। पैसे कमाने में अपना शरीर खराब किया और बाकी आधी उम्र उसी पैसे को शरीर ठीक करने में लगा दिया, न शरीर बचा न पैसा। अरे पानी को कसकर पकड़ोगे तो वो हाथ से छूट जाएगा, उसे बहने दो, अपना रास्ता वो खुद बनाएगा। कभी जब परिस्थिति समझ में ना आए तो जीवन में जो घटित हो रहा है उसको शांत भाव से तटस्थ होकर बस देखना चाहिए। समय आने पर जीवन अपना मार्ग खुद बना लेगा। आपके चिंतक करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपका मन दुखी होता है। इसीलिए चिंता सिर्फ उतनी करो कि काम हो जाए, उतनी नहीं कि काम तमाम हो जाए। तो बेमतलब की बातों को अपने दिमाग से निकालो और सकारात्मक सोच के साथ अपनी जिंदगी जियो। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो ना इस वीडियो को लाइक कीजिए, ना इसको शेयर कीजिए। अगर कुछ करना ही है तो सिर्फ घर के अंदर रहिए, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तभी तो आप सुन पाएंगे मन की आवाज।